माय चैनल गाइस, और आज हम बात करेंगे चितवन के पेड़ के बारे में, जिसका कि वैज्ञानिक नाम एस्टोनिया सोलरिस भी होता है। तो चितवन हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चितवन का पेड़ आपका काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं जो सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। तो चितवन के पेड़ के बारे में एक बात बोली जाती है, कहा जाता है कि ये पेड़ जो है अस्थमा कॉजिंग होता है और रेस्पिरेटरी डिजीज़ की संभावना होती है इससे। तो देखिए, रेस्पिरेटरी डिजीज़ या अस्थमा की संभावना किस चीज़ से हो सकती है? ऐसी चीज़ जो नाक में जाती हो या नाक में जा सकती हो सांस के साथ में। तो क्या इस समय में ये पेड़ जो है इससे कोई ऐसी चीज़, ऐसा कुछ आपका क्या कहते हैं, झड़ रहा है या निकल रहा है जो नाक के साथ सांस में जा सकता हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो पॉलन होता है वो आपका अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर तक आपका इसका पॉलन आता है, जिसमें कार्डेमम यानी इलायची जैसी महक आती है। तो वो जो पॉलन आपका होता है वो काफ़ी मात्रा में झड़ता है और उसकी संभावना होती है कि वो सांस के साथ में अंदर जा सकता है और उससे समस्या हो सकती है। साथ में जो इसकी महक भी होती है, कुछ हद तक वो भी इरिटेशन का कारण बनती है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि पेड़ जो लगे हुए थे उनको कटवा दिया है। तो देखिए, इसमें कटवाने की इसको आवश्यकता नहीं होती है, इस पेड़ को सिर्फ़ और सिर्फ इतना करिए कि जब जाड़े का सीज़न आने वाला हो तो अक्टूबर के लास्ट में जो सॉफ़्ट ब्रांचेज इसकी होती हैं, जो मेन स्टेम से निकली होती हैं, आगे की सॉफ़्ट ब्रांचेस, तना नहीं, जो सॉफ़्ट ब्रांचेज होती हैं जैसे आपकी 1 से 2 फिट लंबी जो होती हैं शुरू शुरू की, उनको सिर्फ आप कटिंग करवा दीजिए बस। इसके अलावा आपको इस पौधे से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी के समय में ये साल भर बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जहाँ तक 24 घंटे ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है पौधा। तो सिर्फ इसके पॉलन से डरने की आपको आवश्यकता है, वो भी आप जब अक्टूबर में कटिंग करा देंगे और क्या कहते हैं कटिंग हो जाएगी तो पॉलन इसका आ नहीं पाएगा। उसके अलावा आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना याद रखिए कि पेड़ अगर है तो उसकी अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, अक्टूबर के लास्ट तक आपकी उसकी कटिंग एक बार करवा दीजिए, सॉफ्ट कटिंग जो बोलना चाहिए, 1 से 2 फिट की जो ब्रांचेज है जिनमें पॉलन आता है आगे की, जो आप देख पा रहे होंगे इसमें पेड़ में जो सॉफ्ट सॉफ्ट आगे आगे निकली हुई हैं, इनकी कटिंग आप करा दीजिए। तो जब पॉलन नहीं आएगा तो इसके अलावा आपको पौधे से डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी देखिए, ग्रीनरी है, पौधा है, लगा है, लगा रहने दीजिए, उससे कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है किसी तरीके का। तो ये बात सही है कि हाँ, इससे अस्थमा होने की संभावना होती है, लेकिन जो दूसरी भ्रांति है कि नहीं पौधे से भी आपको नुकसान होगा, वो गलत है। तो बस यही है, आप इस तरीके से देखभाल करके अपना बचाव कर सकते हैं और साथ में पौधा भी बना रहेगा, इस प्रकार से आप इससे सावधानी से बच भी सकते हैं और साथ में आपकी ग्रीनरी भी बनी रहेगी। तो और बाकी पेड़ आप जो भी क्या कहते हैं लगाना चाहें ज़रूर लगाइए, हरियाली को प्रमोट करिए। धन्यवाद।